अध्यक्ष जी, मैंने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था कि झारखंड के बोकारो जनरल अस्पताल में खुलेआम सेल का है सर, इन लोगों के दस एक मिनट जवाब आया है सर। रिक्वेस्ट मेंबर्स टू कीप साइलेंस इन द हाउस, दोज हू वांट टू गो कैन गो बट दे नीड नॉट स्पीक व्हाइल गोइंग प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं प्लीज साइलेंस। धनंजय कुमार जी, मल्होत्रा जी, साइलेंस रखिए सर, साइलेंस रखिए, आप भी साइलेंस रखने की मदद कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं जिस अस्पताल के संबंध में मामला उठा रहा हूं, ये कोई राज्य सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार का है और स्टील अथॉरिटी के अंतर्गत है, और वहां खुलेआम जो बोकारो जनरल अस्पताल है वहां खुलेआम रैकेट चल रहा है, और वो किडनी का है, किडनी बेचने का, आंख निकालने का, और इस तरह की वारदातें हमारे पास में समाचार पत्र हैं, हर महीने में समाचार पत्र में प्रकाशित होते रहते हैं, और इसके लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है। दो दिन से बोकारो बंद है और वहां हर पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के सावित्री लाल हैं जो महिला सेल की अध्यक्षा हैं, इंटक के सावित्री सिंह हैं, अनिल सिंह हैं, नयनझरी देवी सहित सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं, सोना देवी, राजकुमारी देवी, आशा देवी, बिंदु सिंह, उमेश्वरी देवी, शारदा देवी, राकेश्वर राय, राकेश राय, रमा कराउत, सरोज चौधरी, ये सब बंद हैं, जेल में बंद कर दिए गए हैं, और इनका कसूर यही है कि इस रैकेटियर्स के खिलाफ में वो लड़ रहे हैं। सर, मैं एक घटना के संबंध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सरकार उसके ऊपर में इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे, और ये घटना है, जो घटना घटी है वहां शैलेश कुमार सिन्हा, जिनका उम्र 35 साल का है, जो गिरिडीह का निवासी है, और जिनका एक लड़का है और एक लड़की, जो 12 साल का लड़का और 10 साल की लड़की, लड़का का नाम है साकेत और लड़की की नाम है शिल्पा, ये आदमी विश्वनाथ नर्सिंग होम में जाकर के भर्ती हुआ था, और वहां से 16 तारीख को उसको स्थानांतरण किया गया जनरल अस्पताल में बोकारो में, उसको सीसीयू में रखा गया, 19 तारीख को 11 बजे दिन में उसको सूचना दिया गया कि 8:55 में वो आदमी मर गया है, जब उसके और उनके परिवार के लोगों से कहा गया कि तुम 1700 रुपया दे करके और उसका शव ले जाओ, लाश ले जाओ, जब 1700 रुपया उसने जमा किया और जब लाश लेने के लिए गया तो लाश गायब था, लाश वहां था ही नहीं, उसके बाद जब पता चला तो मालूम हुआ कि उसको उसका किडनी निकाल करके, आंख निकाल करके और लाश को जला दिया गया है। इसके खिलाफ में सर पूरा का पूरा, ये कोई सर पार्टी का मामला नहीं है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए और इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि ये जो गरीब लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए जाते हैं और उसको सर इज ए वेरी सीरियस मैटर of wrongful removal of kidneys and eyes. मैंने अडवाणी साहब कहा ये आपको प्लीज इंटरवीन इन दिस मैटर। मैं एक घटना का उदाहरण दे रहा हूँ कि झारखंड में झारखंड में सर बोकारो जो स्टील का हॉस्पिटल है उसका नाम है बोकारो जनरल हॉस्पिटल, और वहाँ आए दिन घटना हो रही है कि जो मरीज वहाँ जाते हैं उस मरीज को यदि कोई देखने वाला नहीं होता है सीसीयू में रखा जाता है, किडनी निकाल लिया जाता है, आंख निकाल लिया जाता है और उसके बाद लाश को जला दिया जाता है। इस तरह की एक घटना अभी 16 तारीख को हुआ है जिसमें शैलेंद्र कुमार सिन्हा नाम का एक व्यक्ति जो 35 साल का था, उसका एक लड़का भी है 12 साल का, एक लड़की भी है शिल्पी 10 साल का, गिरिडीह का रहने वाला, वो 16 तारीख को जाकर के उसको भर्ती किया गया वहां, और भर्ती करने के बाद 19 तारीख को उसको कहा गया 11 बजे दिन में कि पेशेंट मर गया है 1700 रुपया दे करके लाश को ले जाओ, जब वो लाश लेने के लिए गया तो लाश गायब था, लाश गायब था,
और बाद में पता चला कि लाश को जला दिया गया है और वहीं के लोगों ने बताया, डॉक्टर ने कहा कि उसका किडनी और उसका क्या कहते हैं आंख निकाल लिया गया है। इस तरह की घटनाएं मेरे पास में समाचार पत्र हैं और इसके खिलाफ में वहां हर पार्टी के लोग, ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सारे के सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। दो दिन से वहां क्या कहते हैं कि बोकारो जो है कल भी बंद था। हम लोगों के पार्टी का, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी का, कांग्रेस का भी, बहुत बीजेपी के भी लोग होंगे, सारे के सारे लोग आंदोलन पर वहां उतरे हुए हैं और पुलिस वहां दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। हम लोगों के पार्टी के जो नेता महिला विंग की जो अध्यक्षा है सावित्री लाल, वो क्या कहते हैं कि उनको जेल में बंद है। करीब करीब एक दर्जन से ज्यादा महिलाएं बंद है, पुरुष बंद है, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये गंभीर मामला है और ये ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह का रैकेट कहीं भी नहीं चलना चाहिए। और होम मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि यदि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें तो बहुत आपके आपके आपकी कृपा होगी। एसपी सिंह बघेल सर, बस सर, होम मिनिस्टर जी कुछ बोलते हैं।